पुलिस अधीक्षक जनपद संभल चक्रेश मिश्र के कुशल निर्देशन में थाना असमोली पुलिस ने हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए आला कत्ल के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उधार के पैसे चुकाने के संबंध में की हत्या। रिपोर्ट शिवा सक्सेना। खुलासा किया गया है, असमोली का मामला था, जैसे क्या है पूरा विगत बात। दिसंबर में थाना असमोली के ग्राम मतौली पट्टी के एक भट्टे पर एक शव बरामद हुआ था। जानकारी करने पर यह स्पष्ट हुआ कि यह शव भगवान देवी पत्नी स्वर्गीय चिरंजी के पुत्र का था और इस तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। पीएम रिपोर्ट के पश्चात और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ के पश्चात स्पष्ट हुआ कि ईंट भट्टे में काम करने वाले ईंट भट्टा मुंशी अर्जुन सिंह के द्वारा यह कृत्य कारित किया गया है और यह कृत्य उन्हें ऑनलाइन सट्टा खेलने की लत लगी थी, जिसमें कि यह काफ़ी रुपये हार गए थे। लगभग 40,000 रुपये ऑनलाइन सट्टे में हारने के पश्चात इनको भय था कि पैसा कैसे वापस करेंगे, जिससे इन्होंने उधार कुछ पैसा लिया था। इस वजह से इन्होंने यह हत्या कारित की और ईंट भट्टे में ही उनका शव छुपा दिया था। तत्पश्चात कड़ाई से पूछताछ करने के पश्चात इन्होंने अपना कृत्य स्वीकार किया है और इनके कब्जे से ठगे गए, उनके अकाउंट से निकाले गए, मृतक के अकाउंट से निकाले गए रुपयों में से लगभग 50,000 रुपये नकद, एक मोबाइल वीवो कंपनी के और खूनालुदा आला कत्ल ईंट भी बरामद की गई है। इसमें अन्य साज सामान किया जा रहा है, शीघ्र ही वेशना का सफल निशान है। सर कुल कितने रुपए के लिए इस हत्या की? 40,000 रुपये यह जुए में हार गए थे ऑनलाइन सट्टे में, इसके लिए ही रिकवरी के लिए ही इन्होंने यह कृत्य कार्य किया। जी सर, कितने रुपए जो सर बचे थे जो देने के लिए जो होते? वह उन्होंने मृतक से करीब 5,000 रुपये लिए थे, उसमें से 2,500 रुपये वापस कर दिए थे और 2,500 रुपये शेष थे इससे बचने के लिए, और पैसा जो हार गए थे और लोगों से भी पैसा लिया था वह देने के लिए उन्होंने यह कृत्य कार्य किया।